आज जो है हफ्ते का दिन है तो मैं आज सुबह सुबह जॉब की तलाश में भी गया था। तो ये मेरी पर्सनल लाइफ की कुछ स्टोरी है। आईफोन एक्स है फॉर सेल के लिए, मेरा एक दोस्त है तो मैं उसके जो है नेक्स्ट वीडियो उसका रिव्यू भी करेंगे, क्योंकि आज जो है इस्लामाबाद बंद है तो मैं जो है ना बैठा हूँ फ्री, तो मैंने सोचा आपसे यही शेयर कर दूँ। बाकी ड्रेसिंग यार मेरे पास ड्रेस पैंट शर्ट है और शर्टें वगैरह ये भी अभी मैंने दोस्त भाई की पहन ली है। तो मेरे पास जो है ना कुछ काफ़ी पुराने कपड़े हैं जो मैं पहनता, नए मैं कभी भी परचेज नहीं करता। आजकल मुझे जो है तकरीबन 1.5 से 2 साल होने वाला है मैंने नई शूज कपड़े जूती कुछ भी परचेज नहीं किए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो वेलकम हो गया आपका हमारे चैनल नोमी ब्लॉगर पर। सो कार रिव्यू सीरीज के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं नोमी ब्लॉगर। सो आज की वीडियो में हम लोग जो है कार रिव्यू कहीं नहीं करने वाले, क्योंकि आज मैं अपने फ्लैट पर अभी जो है अवेलेबल हूँ। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो है अपना छोटा सा सेटअप दिखाऊंगा। लाइक जैसा आप लोग देख सकते हैं मेरे पास माइक कौन सा होता है, मैं ड्रेसिंग कैसी करता हूँ, मैं परफ्यूम कौन सा यूज करता हूँ, मेरे पास मोबाइल कौन सा है और मैं एडिटिंग कैसे करता हूँ। लाइक ये मैं चीजें आपसे शेयर करूंगा। सो बिना देर के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आपको बताते चलो तो आप अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो पर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको जो है अपना छोटा सा जो है गैराज टूर कराता हूँ। लाइक ये मेरी चीजें होती हैं जो मेरी जो है रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाली है। लाइक जैसा आप लोग देख सकते हैं ये जो है मेरे पास बोया लिंक का माइक है, ये मैं आगे आपको शेयर करता हूँ ये कितने का मुझे जो है सेटअप मेरा बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ये जो है दो वॉचेज आपको नजर आती हैं, ये बाइक की है और ये जो है मेरी है। बट ये वजन में आपको उससे एक्सपेंसिव भी है और ये वजन में भी ज्यादा है और ये काफी ज्यादा मुझे जो है फेवरेट मेरी है क्योंकि साइज में छोटी है। इसका भी मैं कवर करता हूँ। लाइक ये परफ्यूम वगैरह पड़ी है, पावर बैंक वगैरह और लैपटॉप भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अभी बिना देर के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो ये रहा मेरा छोटा सा सेटअप। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जी अपना स्टैंड, जो कि मुझे जो है आप लोगों ने हमारे चैनल पर जो है समी भाई की वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो उसका जो है लिंक मैं आपको जो है नीचे दे सकता हूँ, आप लोग जो है थंबनेल देख सकते हैं। सो ये उन्होंने मुझे जो है गिफ्ट किया था। ये आप लोगों को बाहर से बहुत कम लाइक देखने को मिलेगा बट ये आपको कहीं ना कहीं से इजीली मिल सकते हैं। आप लोग इसको जो है कुछ यूं भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आप लोग जो है अपना मोबाइल एडजस्ट करके इसको जो है यूं वीडियो बना सकते हैं। लाइक ये वो जो है यूज़ करते थे, फिल्म वगैरह देखते थे, बट मैंने जो है इसको यूज़ किया है जब मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ तो फ्रंट पे डैशबोर्ड पे रख के ये जो है यूं रख के मोबाइल रख के मैं जो है अपनी वीडियो को स्टार्ट कर सकता हूँ जब मैं अकेला जाता हूँ। इसके बाद इसकी प्राइस की अगर बात की जाए तो ये आपको नॉर्मली कहीं से मिल जाएगा, आई डोंट नो, बट ये मुझे जो है गिफ्ट किया है। इसके बाद जो मेरे पास चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे इन सबसे जो है इम्पोर्टेंट लगती है, मैं जो है परफ्यूम वगैरह का बहुत बड़ा जो है शौकीन हूँ तो मैं सबसे पैसे ज़्यादा इनमें इन्वेस्ट करता हूँ, लाइक लगाता हूँ, ज़ाया करता हूँ। लेकिन आपको ज़ाया लगता होगा लेकिन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, अभी तो मैंने काफ़ी सारी फेंक भी ली हैं बट इसके टाइम इसके अंदर भी थोड़ी बहुत ही आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है अलग अलग अत्तर देखने को मिलती हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश हैं और मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लाइक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है ये मेरी जो है जब मैं शोरूम पे जाता हूँ ना तो ये लगा कर जाने पड़ते हैं क्योंकि बाज़ूकात मैं जो है इतना मैं जो है पानी में नहीं हूँ बट फिर भी लोगों को जो है ना शो नहीं होना देता कि मैं जो है बहुत गरीब आदमी हूँ। इसके बाद एनीवे ये भी हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है अत्तर देखने को मिलते हैं, सबसे ख़ास अत्तर, ये सभी ख़ास हैं बट अगर आप लोगों ने लेनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट ये सभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। इसके बाद आ जाते हैं जी मेरे पास लैपटॉप, ये वाला है नॉर्मल सा लैपटॉप है बट ये भी जब हम लोगों ने जो है डिलीवरी करवाया था ना इस्लामाबाद के लिए तो इसकी जो है यहाँ से टच स्क्रीन टूट गई थी, ये आप लोग देख सकते हैं ये जो है टूट चुकी थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एनीवे इसमें जो है मैं एडिटिंग वगैरह करता हूँ बाज़ूकात, यहाँ पर ये यूज़ होता है और इसका फ्रंट कैमरा वगैरह भी है। ये जो है दुबई से भाई ने गिफ्ट लाया था हमारे लिए, ये भी आपको यहाँ पर जो है 40-35 का इजीली मिल जाता है। तो इसके बाद जो मेरे पास इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जो आपकी जो है पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अलग क्वालिटी पे लेकर जाती है, चीज़ दिखाने वाला हूँ वो हर एक इंसान जो भी पहनता है उसके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। लाइक आप उसको लाइक करते हैं या नहीं, मुझे जो है ऐनक वगैरह का बिल्कुल भी शौक नहीं है बट फिर भी कभी कभी पहनता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद जो आप जब वॉच पहनते हैं ना तो वॉच वो लोग पहनते हैं जिनके लिए टाइम इम्पोर्टेंट होता है। लाइक मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मैंने ये जो है ना वॉच ये पहननी होती है। इसके बाद मेरे पास एक टच वॉच है, नॉर्मल जब ट्रोज़र शर्ट पहनता हूँ तो वो है वो यूज़ करता हूँ और जब मैं जो है ना ड्रेस पैंट शर्ट पहनते हैं तो फिर ये यूज़ की जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा आपको जो है डिफरेंट और स्टाइलिश से नज़र आती है, ये हैंडमेड होती है, रोलेक्स की ओरिजिनल वॉच है। सो इसकी अगर आप लोग मार्केट आस्किंग प्राइस पूछेंगे तो कम अज़ कम ये आपको 12 से 13,000 के लगभग इतने एक मिल जाएगी, लेकिन ये बहुत कम मिलती है। मैंने सोचा एक लेकर भाई को भी दे देते हैं क्योंकि छोटे भाई मांग रहे होते हैं, तो मुझे जो है ना बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिली, अगर मिले भी तो कहते हैं 18,000-20,000 इतने में। ये जो है ना मैंने शॉप वगैरह से भी पता किया, कहते हैं सेम ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी।
एनीवे इसके बाद जब आप लोग इसको पहनते हैं तो ये भी आपको पर्सनालिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट सा बनाती है, क्योंकि ये बहुत ही कम लोग पहनते हैं जिनके लिए टाइम इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग अगर मेरी तरह किसी नई फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इसके बाद मेरे पास छोटे से सेटअप के अंदर आ जाते हैं जी एक पावर बैंक। ये पावर बैंक मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि मैं जब कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरे मोबाइल में चार्ज हो या ना हो तो अगर ये इसमें फुल हो तो ये जो है मेरा दो मोबाइल ईजिली चार्ज कर देता है। ये है चाइना का, बट मैंने जो है दुबई से लिया था तो ये मेरे पास बहुत अच्छा चल रहा है। वैसे ये नॉर्मल है बट मेरे पास बहुत अच्छा चल रहा है। ये होने के बाद यहाँ पर मैं आपको नॉलेज के लिए बताता चलूँ तो मेरे पास आईफोन 11 प्रो है जिससे मैं जो है वीडियो वगैरह शूट करता हूँ। बाज़ुकात अगर कोई होता है, यानी मेरे चैनल पर आपको जितनी भी वीडियो देखने को मिलेगी अच्छी, वो सब आईफोन 11 प्रो से ही बनी है। जो नॉर्मल बनी होंगी इसमें कुछ हैं कैमरे से भी बनी हुई है, लेकिन निकॉन D5200 इसकी भी बनी होगी वीडियो, और बाकी इन्फिनिक्स सैमसंग इन मोबाइल की भी आपको जो है चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। बट आजकल जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो जो है आईफोन 11 प्रो की यूज़ हो रही होती है, और बाकी आप लोगों को पता ही होगा आईफोन के बारे में। बाकी हाँ, एक और आईफोन X है फार सेल के लिए, मेरा एक दोस्त है, सो मैं उसके जो है अभी जो है नेक्स्ट वीडियो उसका रिव्यू भी करेंगे, क्योंकि आज जो है इस्लामाबाद बंद है तो मैं जो है ना बैठा हूँ फ्री, तो मैंने सोचा आपसे यही शेयर कर दूँ। इसके बाद है जी ये आपको जो है बोया लिंक का माइक नज़र आता है। ये आपको साइज़ में छोटा सा लग रहा होगा बट इसकी प्राइस आप लोगों ने जो है मुझे कमेंट स्क्रीन में बतानी है। उससे पहले आपको बताता चलूँ तो इसकी प्राइस है 20,000। ये जो है 20,000 का माइक है सिर्फ, जैसा आप लोग देख सकते हैं इसमें जो आपको माइक दिए जाते हैं, लाइक ये इसमें जो है दो माइक हैं 1 और 2, इसको आप लोग जो है यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग जो है अलग अलग से इसको आईफोन में भी यूज़ कर सकते हैं जैसा आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद इसको आप लोग जो है कैमरे में भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ किसी इन्फिनिक्स मोबाइल में, सैमसंग में, किसी मतलब सी टाइप ये जो है यूज़ होता है। तो इसमें जो है आपको टोटल 3 लीड ऑफर की जाती हैं, लाइक आप लोग जो है कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है बोया की बैचिंग, और यहाँ पर भी आपको जो है सारे का सारा ये कुछ दिया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा लग्जरी और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सी थे, बट मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ये जो है सेटअप बनाया, बट मैंने जो है अभी तक YouTube से अर्न 1 रुपया भी नहीं किया। सो एनीवे, बट फिर भी हमारी जो है कोशिश यही है, हम लोग इंशाल्लाह जो है ना गाड़ियों का रिव्यू वगैरह, ये तो मेरा एक शौक था तो मैं जो है इसमें चला गया। बाकी आप लोग अगर मेरा चैनल पुराना विजिट करेंगे तो आपको बहुत ही डिफरेंट सी वीडियो देखने को मिलेगी। एनीवे, बट फिर भी आज हम लोग जो है इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ये होने के बाद यहाँ पर आप लोग जो है इसके माइक के ऊपर ये स्टाइल भी लगा सकते हैं, लाइक जो आपको बाज़ुकात लगा हुआ नज़र आता है ना वो ये होता है, और इसके नीचे यहाँ पर आपको जो है ये कुछ लगा हुआ नज़र आता है, ये चूड़ी टाइप होता है, इसको आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो है मैंने डब्बा पैक लिया था तो इसकी आस्किंग प्राइस ये भी 25,000 थी, बट जब कम हुआ तो मैंने परचेज़ किया, वो भी 22-23 कह रहे थे, बट मैंने जो है 20,000 का परचेज़ किया था। और बाकी हाँ, ये कुछ आपको नॉर्मल नहीं मिलता बाइक, जहाँ पर आप लोगों ने जो है ना कहीं पर अगर बहुत लंबा सफ़र भी करना है तो आप लोग इसको जो है चार्जिंग इसकी फुल कर सकते हैं, तो ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। लाइक जैसा आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं जो है इसको मूव करता हूँ तो ये जो है यहाँ से लाइट ऑन करता है। इसमें बाकायदा आपको जो है पावर बैंक का सिस्टम दिया जाता है, और ये जो है मैं जब से लाया है मेरे ख्याल में मैंने जस्ट इसको एक बार चार्ज किया होगा। मेरे पास ये बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, मेरा ये सेटअप काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, बट ये जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है मैंने अफोर्ड किया है, बट फिर भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप लोग जो है मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, सो फिर जो है इंशाल्लाह हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा और फिर जो है देखे जाएगा। इसके बाद आपके नॉलेज के लिए बताते चलूँ तो 2025 के फ्रंट पे इंशाल्लाह आपका भाई जो है दुबई के लिए मूव हो रहा है दोबारा से। पहले भी मैं जो है एक बार जो है दुबई का विजिट करके आ चुका हूँ। सो आपने अगर हमारे चैनल पर वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप लोग जो है रियर साइड पर जाकर देख सकते हैं। सो बाकी ये था मेरा छोटा मोटा सेटअप। बाकी आप लोग ड्रेसिंग की बात की जाए तो ड्रेसिंग यार मेरे पास होती है बाज़ुकात ड्रेस पैंट शर्ट होती है, आजकल सर्दी है, गर्मियों में वैसे मैं निक्कर और कुछ भी स्लीवलेस पहन लूँ, मेरी चॉइस है, क्योंकि ये काम मेरा अपना है। मैं जॉब पे भी जाता हूँ, और एनीवे आज जो है हफ्ते का दिन है तो मैं आज सुबह जॉब की तलाश में भी गया था। सो ये मेरी पर्सनल लाइफ की कुछ स्टोरी है, मैं रहता कैसे हूँ, कैसे अफोर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है एक नॉर्मल इंसान के लिए किसी बगाने शहर में जाके, लाइक किसी बड़ी सिटी में जाके रहना, खाना पीना रहायश सब कुछ अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मेरे तो घर वाले भी खैर नहीं, मैं कुछ हेल्प नहीं करते, बट फिर भी मैं यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ कर रहा हूँ,
सो फिर आज की वीडियो जो है मैंने कोशिश की थी सब कुछ आपको बताने की। बाकी ड्रेसिंग यार मेरे पास ड्रेस पैंट शर्ट हैं और शर्टें वगैरह ये भी अभी मैंने दोस्त की छोटी सॉरी भाई की पहन ली है। तो मेरे पास जो है ना कुछ काफ़ी पुराने कपड़े हैं जो मैं पहनता हूँ, नए मैं कभी भी परचेज नहीं करता आजकल। मुझे जो है तकरीबन 1.5 से 2 साल होने वाला है मैंने नई शूज़ कपड़े जूती कुछ भी परचेज नहीं किए। सो अभी जो है हेयर कट भी नहीं करवा रहे क्योंकि हालात थोड़े स्टफ हैं। सो फिर आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।